नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न इंडिया के ऊपर, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय। तो पहला चैप्टर हम लोग इस वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने चैप्टर वन का एक वीडियो डाला था, लेकिन वहाँ पे जो लिखावट है वो बहुत ही समझने में बहुत ही दिक्कतों वाला था, तो इसलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया, सभी को पता है 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने मुगल एम्पायर की जो नींव थी ये इसे रखी थी। देन नंबर टू, मेंशन द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब, सभी को शायद पता ही होगा 1658 से लेकर 1707 तक। ये जो टाइम पीरियड है याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्रोनोलॉजी के ऊपर बेस करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो शायद सभी को पता ही होगा। देन वेन डिड पर्शियन रूलर नादिर शाह अटैक दिल्ली, तो जो पर्शियन इन्वेशन हुआ था दिल्ली में ये 1738-39 AD में हुआ था। देन नेक्स्ट नंबर फोर, फर्स्ट अफगान इन्वेशन वॉज रिपेल्ड बाई द मुगल्स इन विच ईयर, तो ये 1748 में जो पहला अफगान इन्वेशन था इसको मतलब रिपेल कर दिया गया था मुगल एम्पायर्स के द्वारा। देन नंबर फाइव, वेन डिड अफगान्स अंडर अहमद शाह अब्दाली अटैक एंड सैक दिल्ली, तो ये 1756-57 में, और इसके चार साल बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन विच ईयर, तो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड द मराठास सदाशिव राव भाऊ। देन नेक्स्ट नंबर सेवन, मुगल डिक्लाइन वॉज ए क्राइसिस ऑफ पर्सनैलिटी, ये जो कहना है कि मुगल डिक्लाइन के पीछे जो मेन क्राइसिस था कि कोई पर्सनालिटी नहीं थे, तो ये मानना है सर जे एन सरकार का। द नेक्स्ट नंबर एट, हु पॉइंटेड आउट दैट देयर वॉज नो डर्ट ऑफ एबल पर्सनालिटीज इन 18th century इंडिया, तो जैसे कि सर जदुनाथ सरकार ने कहा कि मुगल डिक्लाइन जो था ये क्राइसिस ऑफ पर्सनालिटी था, लेकिन इसको एकदम डिफर कर रहे हैं पार्सिवल स्पियर के नाम से हम लोग ज़्यादा जानते हैं इन्हें। तो आगे चलते हैं, हु आर्ग्यूड दैट मुगल एम्पायर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए वॉर स्टेट इन इट्स कोर, तो ये जे एफ रिचर्ड्स का कहना है कि मुगल एम्पायर जो था इसके कोर में एक वॉर स्टेट था। देन नेक्स्ट, मनसबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई होम, तो मनसबदारी सिस्टम जो है ये स्टार्ट किया था अकबर ने। देन वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ मनसब, जो कि WB कॉन्स्टेबल के एग्जाम में प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछा गया था, तो मनसब मीन्स रैंक। देन नंबर 12, हु आर नकदी मनसबदार्स, तो मनसबदार्स में भी हम लोग डिफरेंस देखते हैं, तो नकदी मनसबदार्स वो मनसबदार्स थे जिनको कैश में मतलब पे किया जाता था, इनकी सैलरी जो थी ये कैश में होती थी। देन नंबर 13, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जागीर वॉज देयर, तो देयर वेर टू टाइप्स ऑफ जागीर, तो एक था तनख्वाह जागीर जो कि ट्रांसफरेबल था, और एक था वतन जागीर जो कि नॉन ट्रांसफरेबल था, जैसे कि लोकली जो पावरफुल जमींदार्स थे या जो राजपूत से बेसिकली, तो इनको मुगल सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये वतन जागीर का जो कॉन्सेप्ट था ये आया था। देन नेक्स्ट 14, अपॉइंटमेंट प्रोमोशन एंड डिसमिसल ऑफ मनसबदार्स वेर डन ओनली बाई होम, तो दी एम्परर जो थे मुगल एम्परर ये ही अपॉइंट करते थे मनसबदार्स को, यही प्रमोशन देते थे, डिसमिसल भी यही करते थे। देन हु वेर तुरानीस, तो जैसे कि फ्रैक्शन फाइटिंग के बारे में सभी को पता है कि मुगल डिक्लाइन का एक बड़ा रीज़न जो था ये फ्रैक्शन फाइटिंग था नंबर 15, तो तुरानीस का एक ग्रुप था, ईरानीस का एक ग्रुप था, तो तुरानीस पहले देख लेते थे। तुरानीस जो कि तुर्किश स्पीकिंग रीजन से आए थे सेंट्रल एशिया के, मुगल्स भी जो मुगल्स थे ये भी तुरानी एथनिक लाइनेज से बिलोंग करते थे, और जो ये तुरानी ग्रुप था मुगल कोर्ट में, तो इसके जो लीडर्स थे ये थे गाजीउद्दीन खान, फिरोज जंग, और फिरोज जंग के बेटे मीर कमरुद्दीन खान सिद्दीकी, चिनकुलिज खान, निजामुल मुल्क असफ झा, ये जो टाइटल है निजामुल मुल्क असफ झा ये सब टाइटल हैं जो बाद में इनको दिया गया था। और अभी देखते हैं हु वर ईरानीज, जो ईरानी ग्रुप था ये दो नोबल्स और नोबल्स जो कि पर्शियन स्पीकिंग इलाका से आए थे, जो कि अभी का अगर हम लोग देखें ईरान, अफगानिस्तान, इराक, यहाँ से आए थे ईरानीज। एंड इस ग्रुप के जो लीडर्स थे आसद खान एंड उनके जो बेटे थे जुल्फिकर खान। देन नंबर 17, हु वेर द लीडर्स ऑफ हिंदुस्तानी ग्रुप, तो हिंदुस्तानी ग्रुप के लीडर कौन थे, तो हिंदुस्तानी ग्रुप के जो लीडर्स थे शहीद ब्रदर्स थे, खानी दौरान थे शहीद ब्रदर्स, जिनको निज़ामुल मुल्क ने
सेवेंटीन नाइनटीन में, शायद 19 या 20 में मौत के घाट उतार दिया था। फिर फारूक शेर को, मतलब फारूक शेर थे जो सईद ब्रदर्स ने ही फारूक शेर को बिठाया था, और फारूक शेर जब निज़ामुल मुल्क और भी कुछ लोगों के साथ मिलके सईद ब्रदर्स को ही हटा देते हैं, फिर फारूक शेर ही रहते हैं एम्पायर के तौर पे। जो भी हो, तो हिंदुस्तानी ग्रुप में जो थे सईद ब्रदर्स थे, खानी दौरान एंड कुछ अफगान लीडर्स एंड सम हिंदूज। नंबर 18, व्हेन डिड औरंगजेब कंक्वर्ट बीजापुर एंड गोलकुंडा। तो औरंगजेब ने 1685 में बीजापुर और जो गोलकुंडा था 1689 में इन्होंने कैप्चर किया था। एंड ये जो बीजापुर एंड गोलकुंडा, मतलब डिकानी जो स्टेट्स थे, इनके इनकॉर्पोरेशन के बाद और एक नया, मतलब फ्रैक्शन फाइटिंग में और एक नया ग्रुप ऐड हो गया, जो कि डिकानी ग्रुप था। डिकान के जो नोबल्स थे या मराठास थे, इनको मिलाकर डिकानी ग्रुप बन गया। द नेक्स्ट नंबर 19, हु आर्ग्यू दैट द अवेलेबल सोशल सरप्लस वॉज इनसफिशियंट टू डिफ्राई द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पे फॉर वॉर्स वन टाइप और अनदर, एंड गिव द रूलिंग क्लास ए स्टैंडर्ड लाइफ इन कीपिंग विद इट्स एक्सपेक्टेशंस। तो ये जो, मतलब जो सरप्लस था, रिसोर्स जो था, ये बहुत ही कम था, और इसके लिए मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना या वॉर के लिए फंडिंग इकट्ठा करना, या जो रूलिंग क्लास था, जो जिस तरह के लाइफस्टाइल में ये लोग मतलब यूज्ड टू थे, इसको मतलब बनाए रखना, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट था। तो ये कहा है सतीश चंद्र ने। देन नेक्स्ट, हु आर्ग्यू दैट द जागीरदारी क्राइसिस वाज टू सम एक्सटेंट आर्टिफिशियल एंड ड्यू टू एंड नॉट ड्यू टू एनी रियल स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो जैसा कि सतीश चंद्र कहते हैं कि रिसोर्स बहुत ही कम था, तो इसके एकदम विपरीत हम लोग कह सकते हैं कि जेफ रिचर्ड्स का ये मानना है, जो रिसोर्स था मुगल एम्पायर में, तो ये मतलब ये सफिशियंट था, ये नहीं कि सफिशियंट नहीं था। और जो जागीरदारी क्राइसिस था, ये कहीं ना कहीं मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल था, तो ये मानना है जेएफ रिचर्ड्स ने। जेएफ रिचर्ड्स इसलिए इस बात को कहते हैं कि जागीरदारी क्राइसिस वॉज टू सम एक्सटेंट आर्टिफिशियल, बिकॉज जो एक्सटेंशन हो रहा है मुगल एम्पायर का, ये एक्सटेंशन हो रहा है, बीजापुर इंक्लूड हो गया, गोलकुंडा इंक्लूड हो गया, तो अगर इन मतलब स्टेट्स को या इन किंगडम को अगर खलीसा लैंड में इनकॉर्पोरेट नहीं करके इनको अगर जागीर के तौर पे मनसबदार को दिया जाता था, तो शायद ये प्रॉब्लम सुधार हो सकता था, इस जागीरदारी क्राइसिस का ये प्रॉब्लम। तो ऐसा मानना है जे एफ रिचर्ड्स का। आगे बढ़ते हैं 21 में, ब्रीफली डिस्कस द क्रोनोलॉजी ऑफ सम लेटर मुगल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी बहुत पूछा जाता है, और लास्ट के सेट में ये पूछा भी गया था। बहादुर शाह, जहांदर शाह, फारूक शाह एंड मोहम्मद शाह, जो कि औरंगजेब के बाद में जो बैठते हैं। बहादुर शाह 1707 से लेकर 1712 तक, फिर जहांदर शाह आते हैं 12 से 13, फिर फारूक शाह आते हैं 13 से 19, और उसके बाद मोहम्मद शाह आते हैं 19 से 48। तो जो सईद ब्रदर्स थे, तो इनको मारने के बाद इन्होंने ही मोहम्मद शाह को बिठाया था गद्दी पर, और इसके बाद जो निज़ामुल मुल्क सईद ब्रदर्स को अपने रास्ते से हटा देते हैं, उसके बाद भी मोहम्मद शाह का ही रूल चलता है। देन नेक्स्ट, उसके बाद तो निज़ामुल मुल्क 2 साल थे एज ए वज़ीर, वो हम लोग आगे देखेंगे। जो भी हो, नंबर 22, आफ्टर बिकमिंग वज़ीर ही ट्राइड टू सॉल्व द जागीरदारी क्राइसिस थ्रू ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, बट ही कुड नॉट फॉलो इट थॉरो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम विद इन द कोर्ट, हु इज़ ही। तो ये थे निज़ामुल मुल्क, जो मोहम्मद शाह, मतलब सईद ब्रदर्स को हटाने के बाद मोहम्मद शाह को, मोहम्मद शाह सिंहासन पर थे, गद्दी पर थे, निज़ामुल मुल्क वज़ीर के तौर पे आते हैं 20 से 22 तक, और इन्होंने कोशिश की थी इस प्रॉब्लम को, जागीरदारी क्राइसिस को रिजॉल्व करने की, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि कोर्ट से बहुत अपोजिशन आ रहे थे। इन्होंने पूरा एकदम रीडिस्ट्रीब्यूशन लैंड का एक प्रोजेक्ट ले लिया था, लेकिन समाप्त नहीं कर पाए। जो भी हो, हु हैज शोन दैट द मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम रेस्टेड ऑन ए कॉम्प्रोमाइज, द पीजेंट वॉज लेफ्ट विथ सफिशियंट प्रोविजन फॉर सब्सिस्टेंस वाइल द सरप्लस एज फार एज पॉसिबल वॉज एक्सट्रैक्टेड बाई द स्टेट इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो ये किसने कहा था कि जो मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था, ये एक कॉम्प्रोमाइज के एक कॉम्प्रोमाइज वाला रिलेशनशिप के ऊपर एक बेस था। जो पीजेंस थे, इनके पास मतलब टिके रहने के लिए जितना संसाधन चाहिए था, उतना ही इनको मतलब दिया जाता था, इनके पास रहता था, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मतलब एक्स्ट्रा है, जो सरप्लस है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके
जो स्टेट्स जो स्टेट जो था ये मतलब रूलर जो थे, एम्पायर जो थे, ये कैप्चर कर लेते थे बाय लैंड रेवेन्यू। तो ये कहा है इरफान हबीब ने। देन फिक्स्ड पेमेंट पेशकश, पेशकश को कहते हैं फिक्स्ड पेमेंट, एनुअल फिक्स्ड पेमेंट पेशकश। देन मालगुजारी, जमींदार्स थे प्राइमरी जमींदार्स को मालगुजारी जमींदार भी कहा जाता था। ननकर जो था ये एक तरह का रेवेन्यू फ्री लैंड था। देन हम लोग आते हैं खुदकश्त और पाइकश्त पे। ये क्वेश्चन भी मतलब बहुत पूछा जाता है, खुदकश्त पाइकश्त रेस्टमेंट दिया जाता है कौन सा राइट है या कौन सा रॉन्ग है। तो खुदकश्त जो पीजन्स थे ये मतलब इनके पास ऑक्यूपेंसी राइट था, ये अपनी लैंड को मतलब क्या कहें उसको, काम करते थे अपने लैंड में। और जो पाइकश्त जो पीजन था तो ये जो था ये वैग्रेंट पीजन्स थे, ये अपने दूसरे किसी गांव में जाके वहाँ पे किसी के मतलब मजदूरी करते थे किसी दूसरे के खेत में, इनके पास कोई ऑक्यूपेंसी राइट वाइट नहीं होता था। द नेक्स्ट 29 हु आर्ग्यू दैट मुगल रोटेशन सिस्टम ऑफ द जागीरदार्स एंड द जागीरदार्स ऑप्रेस द पीजेंट्री, मतलब कि जो मुगल रोटेशन सिस्टम था जागीरदार को ट्रांसफ़र किया जाता था जो कि नकदी जागीर जो थे, तो ये जो जागीरदार्स इनको कुछ समय बाद बाद ट्रांसफ़र किया जाता था, इसलिए लैंड के साथ इनका कोई अटैचमेंट बना नहीं। और लैंड के साथ अटैचमेंट बन जाए इसलिए परमानेंट सेटलमेंट हम लोग देखेंगे बहुत बाद में। तो इसीलिए जागीरदार्स जो क्या करते थे कि जितना हो सके जितना निचोड़ सको पीजेंट्स को उतना निचोड़ लो, तो इसीलिए इस रीज़न की वजह से इनके इतना ट्रांसफ़र होने की वजह से जागीरदार्स जो थे ये मतलब पीजेंट्स के ऊपर बहुत मतलब इनको ऑप्रेस करते थे। तो ये कहना है इरफान हबीब का। देन अमिल्स जो कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे डिकान में महाराष्ट्र में, देशपांडे देशमुख। देन नेक्स्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पायर इवन द खलिशा लैंड्स वेयर बींग गिवन ओवर टू इजारादार्स। तो एक समय ऐसा आ गया था जागीरदारी क्राइसिस के बाद या लेटर मुगल पीरियड में कि जो जागीरदार्स थे ये मतलब जो लैंड रेवेन्यू इनको मतलब हासिल करना था ये करने में सक्षम नहीं थे, बहुत मतलब प्रॉब्लम्स चल रही थी। पीजन रिविलियंस तो हम लोगों ने देखा ही है कि औरंगजेब के टाइम में से ही स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जाके क्योंकि मुगल एम्पायर जो थे ये मतलब बहुत ही वीक हो गए थे, तो पीजन पहले से ही उनके अंदर में एक मतलब आक्रोश था। लेकिन जैसे कि इरफान हबीब का वो कोटेशन की मतलब जितना हो सके निचोड़ लो, तो अभी क्योंकि एम्पायर जो था ये वीक हो गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो था इनके पास उतना मतलब पावर नहीं था, तो इसलिए पीजन अभी खुल के मतलब रिबिलियन पे आ रहे थे। तो फारूक शियर के टाइम में ऐसा हो गया था कि तो जो इजारादार्स मतलब जागीरदार्स थे ये खुद लैंड रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाते थे जितना करना था, तो इसलिए ये क्या करते थे कि इन्होंने मतलब लैंड को मतलब इजारा देना स्टार्ट कर दिया, मतलब आप सोच लीजिए कि रेंट पे देना स्टार्ट कर दिया कोई भी, मतलब जो ज़्यादा बोलेगा कि इस विलेज से मैं आपको इतना लैंड रेवेन्यू ला के दे सकता हूँ तो उसी को ही वो दिया जाता था। तो ऐसा हो गया था फारूक शेर के टाइम पे कि इन्होंने खलिशा लैंड को भी इजारादार मतलब नीलाम पे चढ़ा दिया था। देन नेक्स्ट 32 हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर, तो ये थे बहादुर शाह 2, 1858 में इनका मतलब मुगल जो एम्पायर जो कि अभी तक नाम के लिए ही बस था वो भी खत्म हो गया था। The next 33 who argued that Mughal sovereignty rested on a balancing system of continually shifting rivalries and alliances. तो ये आंद्रे विंग का कहना है कि जो मुगल जो सॉवरेंटी था ये मतलब एक बैलेंसिंग सिस्टम था, कभी मतलब यहाँ पे राइवलरी हो रहा है कभी यहाँ पे अलायंस हो रहा है, तो ऐसा एक बैलेंस चलता था। देन नेक्स्ट फितना, फितना मीन्स सेडिशन। और 35 who argued that it is in the common recognition of the fact that the zamindars or the intermediary classes constituted a centrifugal force in the Mughal structure. तो ये कहना है अतहर अली का। देन नेक्स्ट और किसी किसी हिस्टोरियन का ये भी कहना है कि जो मराठा जो किंगडम उभर के आ रहा है मुगल पीरियड में रीजनल किंगडम के तौर पे, या मराठास के पास ही मतलब वो पोटेंशियलिटी उनके पास ही मौजूद था कि वो मुगल का एक सब्सटीट्यूशन के तौर पे एक ऑल इंडिया लेवल पे एक किंगडम खड़ा कर सके। तो कुछ कुछ हिस्टोरियंस उसको बहुत ही मतलब छोटी नज़र से देखते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं उतना कुछ खास नहीं था, जो मुगलों के साथ मराठा का जो क्लैश था ये बेसिकली कुछ ज़मींदारों ने सेंट्रल रूल के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई थी ऐसा। तो
तो जो भी हो, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं सतीश चंद्र का। तो इन्होंने कहा है कि 18th सेंचुरी इन इंडियन हिस्ट्री इज़ नॉट ए डार्क एज, जैसे कि बहुत वेस्टर्न हिस्टोरियंस बेसिकली कहते हैं, और नॉट एन एज ऑफ ओवरऑल डिक्लाइन, दिस सेंचुरी शुड बी कंसिडर्ड एज अ डिस्टिंक्ट क्रोनोलॉजिकल होल। मतलब सतीश चंद्र का ये कहना है कि ये कोई डार्क एज नहीं था, क्योंकि जो सेंट्रल पावर थी ये कोलैप्स हो रही है, इसका मतलब सब कुछ मतलब डिक्लाइन हो गया, सब खत्म, ऐसा कुछ नहीं है, रीजनल स्टेट्स पनप रहे थे। तो इससे हम लोग एक डिस्टिंक्ट क्रोनोलॉजिकल होल के तौर पर देख सकते हैं 18th सेंचुरी को। तो ये सतीश चंद्र का कहना है। तो यही पे जो फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर वन का, ये ख़त्म होता है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स, जो रीजनल पावर्स उभर के आ रही थी, तो उसको देखते हैं। तो पहला जो है कि वेरियस काइंड्स ऑफ रीजनल स्टेट्स इमर्ज्ड इन द 18th सेंचुरी इंडिया, दीज वर फाउंडेड बाय मुगल प्रोविंशियल गवर्नर्स, रिवील्स फ्यू स्टेट्स विच वेयर प्रीवियसली फंक्शनिंग एज ऑटोनोमस बट डिपेंडेंट पॉलिटीज। तो नंबर वन जो है कि मुगल शासनकाल के दौरान, यानी कि लेटर मुगल्स पीरियड में, हम लोग क्या देखते हैं कि रीजनल स्टेट्स उभर के आ रहे हैं 18th सेंचुरी में। और ये जो रीजनल स्टेट्स थे, कुछ जो स्टेट्स थे जो मुगल प्रोविंशियल गवर्नेंस ने ही क्रिएट किया था, जैसे कि निज़ामुल मुल्क का हो गया हैदराबाद में, जो सदत खान थे अजीत आबाद में, या मुर्शिदकुली खान बंगाल, ये सब कुछ थे जो रिबेल्स ने कुछ स्टेट क्रिएट किया था, जैसे अफगान्स ने किया था बुंदेलखंड रोहिलखंड में, और जो मराठास का स्टेट हम लोग कह सकते हैं, और कुछ जो स्टेट्स थे जो कि पहले से ही ऑटोनोमस थे लेकिन डिपेंडेंट पॉलिटीज थे, ये एनुअल मतलब रेवेन्यू देते थे, पेशकश देते थे। नंबर टू एक एसेशन रीजन है कि बंगाल हैदराबाद एंड आवध वे द टू थ्री सक्सेसिव स्टेट्स ऑफ द मुगल एम्पायर। इसका रीज़न जो है कि दे वेर फाउंडेड बाई मुगल प्रोविंशियल गवर्नर्स वेर फॉर्मली हु नेवर फॉर्मली सीवर्ड देयर लिंक्स विद द सेंटर। तो इसी क्वेश्चन एंड इसका आंसर एसर्शन एंड रीज़न है कि बंगाल आबाद और हैदराबाद को हम लोग सक्सेसिव स्टेट्स कह सकते हैं मुगल एम्पायर का, क्योंकि इनके जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे इन्होंने ही इसको क्रिएट किया था, और इन्होंने मतलब सेंट्रल पावर से कभी भी अपना जो नाता है एकदम से नहीं तोड़ा था। और जैसे कि हम लोग टीपू सुल्तान के टाइम पर भी देखेंगे कि टीपू सुल्तान खलीफा के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप मुझे मतलब जैसे एंशियंट मतलब मीडिया पर एकदम पीरियड में हम लोग देखते थे खिलात, और तो मतलब खलीफा से परमिशन लेना, तो उस तरह का कोशिश टीपू सुल्तान ने भी किया था। टीपू सुल्तान ने अपने नाम से मतलब कॉइन भी मतलब इशू किया था, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि उन्होंने सेंट्रल पावर से अपना नाता जो है एकदम से नहीं तोड़ा था, मतलब जब उनको मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता था, उनको लगता था कि हाँ रिलेशन ज़रूरी है तो रखते थे, जब उनको लगता था नहीं ये इसमें रिलेशन ज़रूरी नहीं है तो नहीं रखते थे। जो भी हो, नंबर थ्री हम लोग आते हैं, हु अपॉइंटेड मुर्शिदकुली खान एज दीवान ऑफ बंगाल। तो ये औरंगज़ेब ने इनको भेजा था, और औरंगज़ेब के साथ मुर्शिदकुली खान का जो रिलेशन है ये बहुत पुराना है और बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का है, क्योंकि जब इनको डांट फटकार मिल रही थी डेकर में, जब थे औरंगज़ेब शाहजहान के टाइम में, तो तब भी मुर्शिदकुली खान यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपर्ट के तौर पर औरंगज़ेब के साथ थे। तो आगे चलते हैं नंबर फोर, हु री अपॉइंटेड मुर्शिदकुली एज दीवान ऑफ बंगाल। तो बहादुर शाह ने इनको री अपॉइंट किया था 2 साल के गैप के बाद। देन नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हु कन्फर्म्ड मुर्शिदकुली पोजीशन ऑफ बंगाल एंड अपॉइंटेड हिम एज द डेपुटी गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर ऑफ उड़ीसा। तो फारूक शाह ने ये किया था। देन नंबर सिक्स में आते हैं हम लोग, बंगाल ग्रेजुअली बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ मुगल रूल फ्रॉम वेन। तो 1707 से ही मतलब बंगाल मतलब जो इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो गया था, फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, फुल्ली अगर हम लोग कहें तो ये जो एकदम रीजनल स्टेट के तौर पे मतलब, तो ये अलीवर्दी खान के टाइम से स्टार्ट हुआ था 1740s। देन नेक्स्ट हम लोग आते हैं नंबर सेवन, हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर मुर्शिदकुली। तो लास्ट जो गवर्नर थे बंगाल के जिनको मुगलों ने अपॉइंट किया था वो मुर्शिदकुली खान ही थे। देन व्हेन डिड जगत सेठ बिकेम द ट्रेजरर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। तो जगत सेठ ये 1730 से ही मतलब ये ट्रेजरर थे बंगाल गवर्नमेंट में, ये उतना खास नहीं है, ऐसे ही जस्ट लिखा है।
देन नेक्स्ट नाइन नेम टू बिजनेस टाइकून ऑफ बेंगल, तो हिंदू मर्चेंट थे एक उमीचाँद एवं आर्मेनियन एंड आर्मेनियन एक मर्चेंट थे टाइकून बिजनेस टाइकून ख्वाजा वजीद। देन जो बंगाल में जो गवर्नर्स थे या बंगाल में जो रूल कर रहे थे मुर्शिद कुली खान के बाद वो देख लेते हैं। नंबर टेन मुर्शिद कुली खान ओ जो खाना है ओ पास दे जान दुकान पर सॉरी। तो बंगाल में जो रूल कर रहे थे मुर्शिद कुली, उसके बाद सरफराज खान, फिर सरफराज खान को अपने ही पिता द्वारा मतलब सिंहासन से हटाया जाता है, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ये बैठते हैं, और उसके बाद अलीबुर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला। देन नेक्स्ट नंबर 11 अलीबुर्दीस रेन मार्क्ड ए वर्चुअल ब्रेक विथ मुगल्स। देन नेक्स्ट नंबर 12 व्हेन डिड अलीबुर्दी केम टू टर्म्स विद द मराठास बाय एग्रीइंग टू पे चौथ एंड हैंडिंग ओवर उड़ीसा। तो 1751 में हुआ था, रघुजी भोसले नाम के थे मराठा जो कि जिनके जो लेट कर रहे थे बर्गी जो आक्रमण हम लोग कहते हैं बंगाल में, तो बर्गी आक्रमण। देन नंबर 13 इन 1748 पटना वाज कैप्चर्ड बाय विच अफगान लीडर, तो मुस्तफ़ा खान इन्होंने 1748 में पटना भी कैप्चर कर लिया था और जो अलीबुर्दी खान के मुश्किलों को और भी बढ़ा रहा था। देन बैटल ऑफ पलासी 23 जून में होता है 1757 में। देन नंबर 15 हु फाउंडेड किंगडम ऑफ हैदराबाद इन 1724, तो मोहम्मद कमरुद्दीन खान सिद्दीकी, चिनकुलिस खान, निजामुल मुल्क असफ झा। इससे पहले से 1720 से 22 तक ये वजीर के तौर पे भी काम कर चुके थे और जागीरदारी क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का भी एक प्रोजेक्ट लिया था, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर पाए थे और जो फ्रैक्शन पॉलिटिक्स चल रहा था या कोर्ट पॉलिटिक्स चल रहा था इससे उब के इन्होंने समझे कि हैदराबाद में सेटल हो जाते हैं भैया, वही अच्छा है, तो ये आ गए। देन 16 द एक्चुअल इंडिपेंडेंस ऑफ हैदराबाद किंगडम डेटेड फ्रॉम विच ईयर, तो एक्चुअल जो इंडिपेंडेंस है हैदराबाद का ये 1740 से स्टार्ट होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं नंबर 17 इन 1723 निजामुल मुल्क डिफीटेड द मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल, हु वाज द गवर्नर, तो ये थे मुबारिस खान, इनको हटा के ही निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में अपनी क्या कहे पैरों को एक तो सख्त मजबूत जगह पर रखा था। देन 18 आफ्टर द डेथ ऑफ निजामुल मुल्क इन 1748 देयर वॉज अ सक्सेशन वॉर बिटवीन हिज सन एंड हिज सन नासिर जंग एंड हिज ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग, तो हु बिकेम विक्टोरियस, तो इनके निधन के बाद मुजफ्फर जंग फ्रेंच सपोर्ट से डुप्लिक्स थे तब, तो इनके सपोर्ट से ये इन्होंने गद्दी जो है अपने पास रखा था। देन 17 निज़ाम अली रूल्ड हैदराबाद फ्रॉम 1762 टू 1803, ठीक है। उसके बाद व्हेन डिड सादात खान वाज अपॉइंटेड एज मुगल गवर्नर ऑफ आवाध में चले जाते हैं 1722 में सादात खान आते हैं मुगल गवर्नर के तौर पे, और सादात खान इन्होंने बुरहान उल मुल्क का टाइटल रिसीव किया था मुगल एम्पायर से, कौन से मुगल एम्पायर से ये इन्होंने ये किया था, तो मोहम्मद शाह जो कि 1948 तक थे, तो मोहम्मद शाह से। देन 20 हु वाज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आवाध ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ सादात खान, तो डेप्यूटी गवर्नर जो थे ये सफदरजंग थे, इनके ही सन इन लॉ थे शायद, भूल गया हूँ। देन नेक्स्ट मीर बख्शी इंपीरियल ट्रेजरर, तो ये जो मीर बख्शी का पद था इसके ऊपर सादात खान का एक अट्रैक्शन था, और जब इनको ये पद नहीं मिला निज़ामुल मुल्क के पास ये मीर बख्शी का पद चला गया, तो इन्होंने थोड़ा मतलब ये बहुत मायूस हो गए थे, थोड़ा नहीं बहुत। और उसके बाद जब पर्शियन इन्वेशन होता है नादिर शाह के अंडर में, तो ये क्या करते हैं पार्टी बदल लेते हैं, ये नादिर शाह के वहाँ पे चले जाते हैं, और उसके बाद नादिर शाह जब यहाँ पे दिल्ली को अटैक करते हैं और उसके बाद पूरा एकदम एक रेन ऑफ टेरर चलाते हैं दिल्ली में, तब इनको बहुत दुख होता है और ये अपने आप जहर से मतलब दुनिया से चले जाते हैं। आगे देखते हैं नंबर 22 सफदरजंग अपॉइंटेड एज वजीर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पायर, तो अहमद शाह के टाइम में सफदरजंग वजीर थे। देन नेक्स्ट हु बिकेम द गवर्नर ऑफ आवाध एज आफ्टर सफदरजंग, तो सफदरजंग के निधन के बाद 1754 में इनके जो बेटे थे शुजाउद्दौला, जो कि अभी बैटल ऑफ बक्सर में आएंगे, अपने ही रीजन से आएंगे क्योंकि जब चलिए बाद में ही बोलते हैं,
वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ अवध बाई एम्पायर आलमगीर टू। देन नेक्स्ट आते हैं, शुजाउद्दौला बिकेम वजीर अंडर शाह आलमगीर टू। तो ये जो आलमगीर थे, शाह आलमगीर टू मुगल एम्पायर, तो ये बहुत पहले ही अवध में आ चुके थे। और उसके बाद इनके पास जब न्यूज़ आता है कि उनके पिता का देहांत हो गया है, तब वो अपने आप को रूलर के तौर पे घोषित करते हैं और जो शुजाउद्दौला थे उनको अपना वजीर बना देते हैं। इसीलिए बैटल ऑफ बक्सर में हमको मतलब ये जो कॉम्बिनेशन ये देखने को मिलता है, मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू। चलिए आगे देखते हैं, मराठास का जो रीजनल स्टेट था, तो आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी इन 1680 उनके जो बेटे थे संभाजी एंड राजाराम, इन्होंने रूल किया। एंड राजाराम के निधन के बाद 1699 में इनके मौत के बाद इनकी जो रानी थी ताराबाई, तो ये अपने बेटे शिवाजी टू के नाम से शासन चलाते थे। लेकिन यहाँ पे एक टर्निंग आता है, ट्विस्ट आता है कहानी में, जो मुगल्स थे इन्होंने क्या क्या कि शाहू को मतलब रिलीज़ कर दिया। ये शिवाजी के ग्रैंडसन थे और एक ग्रैंडसन, तो शाहू भी अभी आ गए और इनको भी मतलब रूल करना था। तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन में, व्हेन डिड शाहू द ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी रिलीज फ्रॉम द मुगल प्रिजन। तो 1707 में ये रिलीज़ हो गए थे और इसके बाद शाहू एंड ताराबाई का जो ये था, ये मतलब क्लैश ऑफ क्लैंस चलता है। और पेशवा बालाजी विश्वनाथ शाहू के साइड में थे और इन्होंने ही मतलब शाहू को इस्टेब्लिश किया था कह सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव, देन बालाजी बाजीराव, और इवन बालाजी बाजीराव का जो रिक्रूटमेंट होता है मतलब अपॉइंटमेंट होता है, ये भी शाहू ही करते हैं बाजीराव की मौत के बाद। तो अभी आगे देखते हैं जो 27 है, व्हेन डिड बालाजी विश्वनाथ सिक्योर फॉर हिज मास्टर शाहू ए मुगल सनत और इम्पीरियल फरमान, रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ 1/4 दैट इज अ चौथ एंड सदेशमुखी दैट इज 1/10 इन द 6th मुगल प्रोविंस ऑफ डेक्कन एंड चौथ ऑफ मालवा एंड गुजरात एंड इंडिपेंडेंस स्टेटस इन महाराष्ट्र। तो ये सब चीज़ भी बालाजी विश्वनाथ अपने मास्टर्स के लिए लाकर देते हैं अपने सूझबूझ से। तो ये होता है 1719 में, और शहीद ब्रदर्स के मतलब शहीद ब्रदर्स को वो हेल्प करते हैं ताकि फारूक शेर को हटाकर मोहम्मद शाह को बिठाया जा सके। आगे बढ़ते हैं 28, द कंटेस्ट विद द ताराबाई फ्रैक्शन वॉज सेटल्ड बाई विच ट्रीटी। तो ये जो फ्रैक्शन फाइटिंग चल रहा था शाहू एंड ताराबाई के बीच, जो कि शिवाजी टू के नाम से शासन चला रहे थे, तो 1731 में ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ वर्ना। एंड यहाँ पे कोल्हापुर जो है ये शिवाजी टू को दिया जाता है। देन 29, बालाजी विश्वनाथ वॉज सक्सीडेड बाई बाजीराव इन 1720। देन बैटल ऑफ पलखेत जो कि बाजीराव एंड निज़ाम के बीच में हुआ था मार्च 1728 में। देन इन 1731 कंबाइंड आर्मी ऑफ निज़ाम और कुछ मराठा सरदार भी थे निज़ाम के साथ, गायकवाड़, दाभादे, कदम बंदे, तो ये इनके साथ बाजीराव का भी फाइटिंग होता है 1731 में, जिस ईयर में ट्रीटी ऑफ वर्ना होता है, जो फ्रैक्शन फाइटिंग चल रहा था शाहू एंड ताराबाई के बीच में, उसको मतलब वो सेटल हो जाता है। तो उसके बाद 1736 बाजीराव गेन कंट्रोल ओवर जो सिदीस का जो टेरिटोरी था, अबिसिनियन मुस्लिम्स का, इनको सिदीस कहा जाता था। एंड इन्होंने क्या किया था, जो पुर्तगीज थे इनको सॉल्सेट से निकाल दिया था, बेसिन से निकाल दिया था एंड चोल से निकाल दिया था। देन 1737 में बाजीराव अटैक दिल्ली एंड हेल्ड द एम्पायर कैप्टिव फॉर सम टाइम। ये जो एम्पायर थे ये मोहम्मद शाह थे। और उसके बाद 34 में आते हैं, ट्रीटी ऑफ भोपाल होता है 1739 में। देन बाजीराव को कौन सक्सीड करता है, तो बाजीराव को सक्सीड करते हैं उनके ही बेटे बालाजी बाजीराव, जो कि नाना साहब के नाम से मशहूर है। और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ये शाहू करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बताया पहले। देन इन 1739 आफ्टर द डेथ ऑफ शाहू, नाना साहेब बिकेम द सुप्रीम अथॉरिटी इन मराठा पॉलिटी। देन ट्रीटी ऑफ भालके होता है 1751 में। देन इन 1752 एक ट्रीटी आता है, मुगल एम्पायर को मराठा प्रोटेक्शन के अंदर में लाया जाता है, मतलब उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अभी मराठास की है। देन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आता है, वो दौर जिसे आना नहीं चाहिए था,
जैसा कि 1757 का बैटल ऑफ प्लासी आना नहीं चाहिए था बंगाल के लिए, और उसी तरह 1761 का जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है इसको भी आना नहीं चाहिए था महाराष्ट्र के लिए। जो भी हो, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1761 में 14 जनवरी, अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा जो आर्मी थी ये अंडर में थी सदाशिवराव भाव के, और शायद इसके बाद एक हफ्ते के बाद ही, इस बैटल के एक हफ्ते के बाद ही सदाशिवराव भाव का मतलब निधन हो जाता है। उसके बाद 1772 में आफ्टर द डेथ ऑफ माधवराव, सदाशिवराव भाव के बाद माधवराव संभालते हैं, और माधवराव के मृत्यु के बाद रघुनाथ राव ये अपने मतलब पावर को कैप्चर कर लेते हैं, और इसमें जो मतलब एक सेंट्रलाइज्ड और जो बात थी मराठा पॉलिटिक्स में अब तक ये मतलब बिखर जाता है। मराठा सरदारों में भोसलेस ऑफ नागपुर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, होलकर्स ऑफ इंदौर एंड सिंधिया ऑफ ग्वालियर, तो ये उभर के आते हैं एज ए मराठा सरदार। चलिए टुकड़े टुकड़े गैंग हम लोग कह सकते हैं अगर अभी के पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें, पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट को देखें, टुकड़े टुकड़े गैंग तो कितना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वर्ड भी कितना मतलब ठीक ठाक है, इसको भी मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन जो सेंट्रलाइज्ड और जो पावर थी ये मतलब बिखर जाती है। देन हु आर्ग्यूड दैट द न्यू सिस्टम ऑफ प्रिवेंटेड लॉर्डशिप ऑफन कट अक्रॉस द ट्रेडिशनल हायरार्कीज ऑफ स्टेटस, तो फ्रैंक पॉलिन का ये कहना है, ऐसे ही शायद लिख लिया मैंने, तो उतना भी खास नहीं था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, सतीश चंद्र का क्वेश्चन देख लेते हैं 43। ऑल दो बाजीराव मेड ए मूव टूवर्ड्स नॉर्थ इंडिया, तो सतीश चंद्र कहते हैं कि बाजीराव ने नॉर्थ इंडिया पे अपने पैर जमाए थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनका जो मेजर जो एम था ये इतना था कि मतलब डेकान में इनकी सुप्रीमेसी बनी रहे, मराठा की सुप्रीमेसी डेकान में बनी रहे, ये इनका मेन एम था, तो ये सतीश चंद्र कहते हैं। द नेक्स्ट आंदे विंग का एक कोटेशन देख लेते हैं, जो मराठास वेर ऑल्सो वेरी मच विद इन द मुगल ट्रेडिशन एज दे हैड बिल्ड देयर पावर ऑन द नोशन ऑफ सेडिशन और फितना, तो आंदे विंग का ये कहना है कि जो मराठास जो थे ये विद इन मुगल ट्रेडिशन में ही थे, क्योंकि इनका जो मतलब किंगडम बना, इनका जो पावर स्थापित हो रहा है ये सेडिशन के नोशन के ऊपर बेस्ड था, और ये मुगल टाइम में हम लोगों ने देखा था, जैसे कि हम लोग रीजनल जो स्टेट्स फॉर्मेशन हो रहे थे तभी हम लोगों ने देखा था कि कुछ बनाते हैं मुगल प्रोविंशियल गवर्नर्स, कुछ जो रिवेल्स थे ये इस्टेब्लिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं, गुरु नानक सिक्स के ऊपर आ जाते हैं, गुरु नानक 1469 में इनका जन्म होता है। गुरु तेग बहादुर जो नाइन्थ गुरु थे उनका एग्जीक्यूशन होता है दिल्ली में 1675 में। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि मीडियावल हिस्ट्री में ही मतलब अच्छा है, तो ये मसीरी आलमगिरी एक टेक्स्ट है, मुस्तैद खान शायद उनके राइटर है, तो मुस्तैद खान का मसीरी आलमगिरी जो है, यहाँ पे ये कहते हैं नहीं नहीं औरंगज़ेब तो तेग बहादुर को मार नहीं सकते, क्योंकि वो 1674 के मार्च से 1676 के अप्रैल में ये तो अफगान रिविलियन को मतलब उनको मतलब ठीक करने गए थे, तो वो दिल्ली में मौजूद है ही थे ही नहीं, तो कैसे गुरु नानक कुमार मतलब गुरु तेग बहादुर को मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था जो फिफ्थ गुरु थे अर्जुन दास, तो गुरु अर्जुन, तो गुरु अर्जुन को लेकर भी, गुरु अर्जुन भी एक मतलब नेट सेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शख्स है जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो फिफ्थ गुरु थे और इनके ही मतलब टाइम से जो वंशानुक्रमिक गुरुशिप है, हेरिडिटरी जो गुरुशिप है ये आ गया था, इनके पिता रायदास ने, गुरु रायदास ने इनको नॉमिनेट किया था। तो चलिए जब देखेंगे औरंगज़ेब के रिलीजियस पॉलिसी को तब देखेंगे ये सब। तो हु ट्रांसफॉर्म द सिक्स इनटू ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, खालसा, गुरु गोविंद सिंह ने किया था, तो ये टेंथ गुरु थे, और इसके बाद इन्होंने ग्रंथ साहिब के ऊपर मतलब गुरु शिप गुरु और नहीं रहेंगे, ग्रंथ साहिब और खालसा पंथ के ऊपर जो है ये भार इन्होंने सौंपा था। तो ये जो खालसा पंथ की स्थापना कौन करते थे करते हैं तो ये भी मतलब नेट सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आगे बढ़ते हैं, गुरु गोविंद सिंह ट्राइड टू कार्व आउट एन ऑटोनोमस डोमेन अराउंड अनंतपुर, तो अनंतपुर में ये एक डोमेन बनाने की कोशिश करते हैं गुरु गोविंद सिंह, जैसा कि हम लोग अगर करतारपुर आ जाएगा जब हम लोग हरगोविंद गुरु हरगोविंद की बात करेंगे।
जो भी हो ड्यूरिंग दी टाइम ऑफ औरंगज़ेब, तो उसके बाद औरंगज़ेब मर जाते हैं, उसके बाद बहादुर शाह से ये मिलते हैं, और जो हिल चीफ्स थे तब आनंदपुर के आसपास, ये इनके साथ गुरु गोविंद सिंह का एक क्लैश हो जाता है। उसके बाद सडनली 7 अक्टूबर 1708 में इनका मतलब मर्डर हो जाता है, जो कि अभी भी मतलब मिस्ट्री है। और उसके बाद इनके मतलब इनके ही एक फॉलोअर थे बंदा बहादुर, ये मोर्चा संभाल लेते हैं। जैसे हम लोग हरगोविंद के टाइम में देखेंगे एक पैंदा खान, जो कि पैंदा खान भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, माझा एक रीजन है जो कि रिवर ब्यास और रवि के बीच में जो एरिया है, और दोआब जो कि ब्यास और सुरतेज के बीच में है। तो उसके बाद यहाँ पे बंदा बहादुर अपने मतलब कैंप बनाते हैं, कह सकते हैं जो सेंटर है ये करतारपुर आनंदपुर होकर अभी इस रीजन पे मतलब आ गया है। देन 1713 में फारूक शियार अब्दुल समद खान को अपॉइंट करते हैं इन बंदा बहादुर को रोकने के लिए। और फिर फारूक शियार जो करते हैं, जो गुरु गोविंद सिंह के जो वीडियो थे इनके मतलब इनके ज़रिए बंदा बहादुर को मतलब वीक करने की कोशिश करते हैं, और होता भी है कभी हद तक ये मतलब सक्सेसफुल हो भी जाते हैं। जैसे कि बहुत जाट्स जो थे ये सिख्स को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो चूड़ामन जाट थे शायद ये भटक गए थे, ये मुग़लों के दल में जा चुके थे। जो भी हो तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था गुरु गोविंद सिंह के सिंह जी के वीडियो को, जो मतलब उनके ज़रिए जो वीक करने की कोशिश थी बहादुर शाह की, तो ये फारूक शेर की, तो इतने ये मतलब कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे सपोर्ट बेस जो था ये धीरे धीरे घट रहा था, और उसके बाद 1716 में इनका एग्जीक्यूशन हो जाता है। ये 15 में ही मतलब सरेंडर करने पर मजबूर हो जाते हैं अब्दुल समद खान के पास। देन हु सक्सीडेड अब्दुल समद खान एज गवर्नर ऑफ लाहौर, तो ये थे जकारिया खान इनके बेटे। देन 52 अब्दाली कैंप और अब्दाली जो अहमद शाह अब्दाली थे, ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद 1765 में आए थे पंजाब में, पंजाब एरिया में। लेकिन ये मतलब यहाँ पे कोई मतलब लड़ाई वड़ाई इन्होंने नहीं किया था, शायद डर गए थे, और ये विदाउट एनी सिंगल बैटल और ये चल रही है। देन 53 जो थर्ड जो बैटल था, थर्ड जो इन्वेशन था अफगान इन्वेशन 61 को, मतलब इस एरिया में हम लोग फर्स्ट अफगान इन्वेशन कह सकते हैं, 65 को सेकेंड और 60, और ये जो है ये 1798 और 99 इसमें इस बीच में हो रहा है, जो कि करते हैं जमान शाह जो कि अब्दाली के ही सक्सेसर थे, तो इसको रिपेल कर दिया था रंजीत सिंह ने, और इन्होंने लाहौर को जीत लिया था। 1809 में रंजीत सिंह जो पंजाब के पास दोआब थे उनको कैप्चर कर लेते हैं। 1809 में एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसमें ब्रिटिशर्स मान लेते हैं कि पंजाब में सोल सॉवरेन रूलर जो है ये रंजीत सिंह है। देन खालसा तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और सहजधारी एक कॉन्सेप्ट आया नॉन खालसा सिक्स, तो शायद ये इसीलिए था कि जो बेस है इसको बढ़ाया जा सके, जो खालसा जो पंथ थी इसमें जो क्या कहें रूल्स एंड रेगुलेशन जो स्ट्रिक्टली मतलब मेंटेन कर मतलब किया जा रहा था, तो इसको थोड़ा सा मतलब क्या कहें इसको थोड़ा सा इसको लूज करके इसका बेस बढ़ाया जाए। जो भी हो टर्म के लिए जानना, टर्म जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए लिखा गया है ये। अभी हम लोग आते हैं जाट किंगडम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेट में आया भी था लास्ट सेट में। तो जाट किंगडम भरतपुर दिल्ली मथुरा रीजन में, यहाँ पे जो जट्स रहते थे बेसिकली ये एग्रीकल्चरिस्ट है, और फर्स्ट जो जट रिवॉल्ट हुआ था 1669 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगज़ेब, लीडर थे गोखला। उसके बाद फिर 1686 में इन लोगों ने रिविलियन किया था, राजा राम एंड चूड़ामन जट थे इस समय। और जो क्वेश्चन आया था लास्ट सेट में कि जो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में जट किंगडम को किसने कंसोलिडेट किया था, तो ये थे सूरजमल 1756 से 63, ये क्वेश्चन आया था।
तो चलिए आते हैं अभी अफगान के ऊपर। नादिर शाह के इन्वेशन के बाद अफगान जो लीडर थे अली मोहम्मद खान, इन्होंने एक छोटा सा किंगडम बनाया था रोहिलखंड में, रोहिलखंड में अली मोहम्मद खान का। और एक अफगान किंगडम बनता है फारुखाबाद के आसपास, दिल्ली के आसपास। तो ये इसको बनाया था अहमद खान बंगेश ने। एक बनाते हैं अली मोहम्मद खान रोहिलखंड में और एक बनाते हैं फारुखाबाद में अहमद खान बंगेश। ये दोनों ही अली मोहम्मद खान ऑफ रोहिलखंड एंड अहमद खान बंगेश ऑफ फारुखाबाद, इन दोनों ने ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अब्दाली को, अब्दाली का साथ दिया था। 61 अब्दाली रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन स्टेज लीविंग नजीबुद्दौला इन चार्ज ऑफ अफेयर्स एट दिल्ली। तो अब्दाली जब जाते हैं 56-57 में इनका इन्वेशन होता है, तो जाने के टाइम में ये दिल्ली का जो भार है ये नजीबुद्दौला के ऊपर सौंप के चले जाते हैं। देन राजपूत जो प्रिंसिपालिटी थी या रीजनल किंगडम, इसकी बात करते हैं। राजपूत पॉलिटिक्स वेयर बिल्ट ऑन वेव्स ऑफ क्रिस क्रॉसिंग नॉन एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स दैट प्रोड्यूस्ड स्टेट फॉर्मेशन दैट वेर नीदर फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नॉर एब्सोल्यूट एंड एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल लोकेलिटीज। तो ये कहते हैं नॉरबर्ट पीबॉडी ने, उतना भी खास नहीं है, खाली लंबा चौड़ा था इसलिए नोट डाउन किया गया, छोड़ दीजिए इसको। देन आगे बढ़ते हैं मारवाड़। मारवाड़ में जो सक्सेशन वॉर चला था, मतलब अब तक जो राजपूत के साथ औरंगजेब का मतलब जो रिलेशन था ठीक ठाक ही चल रहा था। और शायद ये भी है कि औरंगजेब के टाइम में ही सबसे ज़्यादा जो राजपूत थे ये मुग़ल नॉबिलिटी में शामिल हुए थे। एक इंटरेस्टिंग मतलब चौंकाने वाला एक बात है। तो जो भी हो, मारवाड़ में एक सक्सेशन वॉर होता है जब राणा जसवंत सिंह की मौत हो जाती है। जो रानी थी हीरा, तो रानी हीरा एक बेटे का जन्म देती है और औरंगजेब क्या करते हैं कि दूसरे कंटेंडर इंदर सिंह को बिठा देते हैं। तो महारानी जो थी, यहाँ पे रिलीजियस कोई मतलब बात नहीं थी, जो महारानी थी रानी हीरा, ये पीपल थी कि ये शरिया को मान लेगी और हायर रेवेन्यू देगी, पेशकश देगी, एनुअल ट्रिब्यूट देगी अगर इनके बेटे अजीत सिंह का जो क्लेम है इसको अगर औरंगजेब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय सिंह ऑफ अम्बेर जो कि बहुत फेमस है, तो इन्होंने रूल किया था अम्बेर में 1699 से लेकर के 1743। और उसके बाद मैसूर में आते हैं। मैसूर एक वाइसरॉयल्टी थी विजयनगर एम्पायर के अंडर में, जो कि ऑटोनोमस प्रिंसिपैलिटी बनती है वेदेयर डायनेस्टी के अंडर में। चिक्का देव राजा वदियर जो कि मैसूर को रूल करते हैं 1672 से लेकर के 1704 तक। और 67 हैदर अली, जो मतलब यहाँ पे जब इनके टाइम में ही मतलब जो मैसूर का जो स्टेटस है, इम्पोर्टेंस है, ये बहुत गुना बढ़ जाता है। तो इन्होंने जूनियर ऑफिसर के तौर पे अपना जीवन स्टार्ट किया था 1761 तक। इन्होंने जो है पावर मतलब मैसूर में पावर में आ गए थे। इन्होंने जो करप्ट दलवाई है या प्राइम मिनिस्टर होगा, ये प्राइम यूनिवर्स लिख दिया मैंने, सॉरी। तो दलवाई जो थे यहाँ पे वदियर डायनेस्टी के नंचराज, तो ये बहुत ही करप्ट थे और यही चलाते थे शासन। जो वदियर डायनेस्टी के जो रूलर थे वो बहुत ही मतलब नाकारा हो चुके थे। तो नंचराज को हटाकर हैदर अली पावर कैप्चर कर लेते हैं। एंड एक कोटेशन है, कहा जाता है कि उनके जो दुश्मन थे वो भी ये मानते थे कि हिज कंट्री वॉज द बेस्ट कल्टिवेटेड एंड इट्स पॉपुलेशन द मोस्ट फ्लरिशिंग इन इंडिया। तो ये टीपू सुल्तान के और इनके रिगार्डिंग ये कहा जाता है। देन हु इंट्रोड्यूस सेरिकल्चर इन मैसूर, टीपू सुल्तान। वेन डिड टीपू सुल्तान लॉन्च स्टेट कॉमर्शियल कॉरपोरेशन, 1793 में ये करते हैं। मतलब इस दौर में हम लोग हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब प्राइवेटाइजेशन को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए टीपू सुल्तान उस समय में स्टेट कॉमर्शियल कॉरपोरेशन स्टार्ट कर रही है। हालांकि ये भी अलग बात है, ये स्टेट कॉमर्शियल कॉरपोरेशन से जो भी मतलब मुनाफा होगा ये स्टेट के पास ही पहुँचेगा, लेकिन ये भी बात है कि जो फ्लरिशिंग पीपल, जैसे कि हम लोगों ने पहला स्टेटमेंट देखा है, तो मतलब पब्लिक के लिए काम भी कर रहे हैं। तो चलिए 30 ट्रेडिंग सेंटर्स ही बनाते थे इंडिया और बाहर भी, जैसे कि एक मास्कॉट में एक था ट्रेडिंग सेंटर टीपू सुल्तान का। आगे बढ़ते हैं 71 में।
टीपूस जो प्लान था मॉडर्नाइजेशन वेंट फार बियॉन्ड हिज रिसोर्सेज, तो उनका जो मॉडर्नाइजेशन का प्लान था मैसूर को एक मॉडर्न स्टेट बनाने का, ये मतलब उतना रिसोर्स इनके पास नहीं था। तो देयरफॉर क्या हुआ कि मैसूर रिमेंस फार अवे फ्रॉम ए रियल ओपनिंग टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो ये किसने कहा है, ये इरफान हबीब ने कहा है। 72 में आते हैं, वेन डिड हैदर अली एनेक्स्ट मालाबार एंड कालीकोट, 1766 में ये करते हैं। देन हैदर अली इन्फ्लिक्टेड ए हेवी डिफीट ऑन द ब्रिटिश नियर मद्रास इन 1769, जब हम लोग उसके मतलब ये जो मतलब हम लोग ऊपर ऊपर से जा रहे हैं, आगे जब हम लोग थर्ड टॉपिक देखेंगे रीजनल स्टेट्स को बहुत अच्छी तरह से, कैसे ब्रिटिशर्स ने रीजनल स्टेट्स को हटा के अपना दबदबा कायम किया, तब हम लोग देखेंगे पूरा वॉर जो भी है। तो चलिए, हु आर्ग्यूड दैट टीपूस रेन रिप्रेजेंटेड ए डिसकंटिन्यूटी इन 18th सेंचुरी इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब ये 18th सेंचुरी में जो पॉलिटिक्स चल रहा था इसको मतलब एकदम मतलब कंटिन्यूअल मतलब सक्सेसिव स्टेट हम लोग कह नहीं कह सकते हैं टीपू सुल्तान के किंगडम को, क्यों नहीं कह सकते इसका भी रीज़न है थोड़ा सा बोलते हैं। एज हिज किंगशिप वॉज रूटेड फार्मली इन अ स्ट्रॉन्ग रीजनल ट्रेडिशन, तो इनका जो किंगशिप था ये रीजनल ट्रेडिशन के ऊपर बेस करके था, ना कि कोई सेडिशन था, ना ये मुगल प्रोविंशियल गवर्नर थे। तो ये कहना है केट बीटल मैंग का ये कहना है, और इंटरेस्टिंग कोटेशन है लेकिन उतना मतलब ये नहीं कि मतलब इम्पॉर्टेंट हो, अच्छा है। देन 75 हम लोग आते हैं, इंस्टेड ऑफ एम्परर, जैसा कि किस लिए कहा था ये इसका रीज़न है, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही कहा था टीपू सुल्तान ने क्या किया था, कॉइन्स में जो शाह आलम थे उनका नाम नहीं अपना नाम दिया था, जो शाह आलम सेकेंड थे जो आबाद में आके बैठे हुए थे शुजाउद्दौला के पास, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मतलब एक सनद मांगा था ऑटोमन खलीफा से। चलिए त्रिवांकुर में आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है त्रिवांकुर भी, 1729 में त्रिवांकुर इंपॉर्टेंस में आते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है, मतलब बहुत ही अच्छा एक स्टेट है, मतलब अगर त्रिवांकुर की तरह शासन अगर स्टार्ट हो जाए तो मतलब, तो 1729 में त्रिवांकुर इंपॉर्टेंस में आता है। यहाँ के रूलर जो थे इस समय मार्तंड वर्मा, तो इन्होंने क्या किया था, डच को खदेड़ दिया था अपने एरिया से, इन्होंने ब्रिटिशर्स को कहा था मैं जो कहूँगा उसी को मान के आपको ट्रेड करना होगा, अगर करना है करो नहीं तो चले जाओ, मतलब ओन टर्म्स पे इन्होंने ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने पे मजबूर कर दिया था। और वहाँ पे अगर हम लोग बंगाल की बात करें थोड़ा सा दुख भी होता है मुर्शिद कुली खान को लेकर, क्योंकि मुगल जो था तब मुगल्स का ऑर्डर जो था ये फरमान जो था ये मानना होता था, लेकिन इन्होंने भी विरोध किया था, मुर्शिद कुली खान जो ब्रिटिशर्स को मिला था कि वो रॉयल मिंट यूज़ कर पाएंगे, इन्होंने नहीं दिया था मुर्शिद कुली खान ने, ये भी डटे रहे जो दस्तक को लेकर के जो ये मुर्शिद कुली खान के टाइम से चल रहा था, जो जमींदारी राइट्स को लेकर भी के भी प्रॉब्लम था, तो ये सब था। तो जो भी हो मार्तंड वर्मा ने और एक काम किया था, इन्होंने जो बिजनेस जो ट्रेड था मालाबार कोस्ट में इसमें रॉयल मोनोपोली जारी कर दिया था, पहले कुछ जैसे पीपल कार्डमम इन सब पे मतलब मोनोपोली जारी किया था स्टेट मोनोपोली भी कि इस सब का ट्रेड जो होगा स्टेट ही करेगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो मालाबार कोस्ट में पूरा जो ट्रेडिंग था इसके ऊपर इन्होंने रॉयल मोनोपोली जारी कर लिया। मार्तंड वर्मा बहुत ही अच्छे इंसान थे, मतलब पर्सनली नहीं जानते हैं लेकिन काम से लगता है सोच बहुत अच्छी थी। और एक जो रूलर थे त्रिवांकुर के रामा वर्मा, तो इन्होंने क्या किया था, एक मैसूरियन इन्वेशन को इन्होंने दबा दिया था, मतलब रोक लिया था मैसूर के एक अटैक को इन्होंने संभाल लिया था। और 1800 में त्रिवांकुर का पतन हो जाता है, त्रिवांकुर में ब्रिटिश रेसिडेंट आ जाते हैं, ब्रिटिश घुस जाते हैं। जो भी हो अभी हम लोग 79 में आते हैं, हु आर्ग्यूड दैट इवन वाइल सेंट्रल पावर इन दिल्ली डिक्लाइन रेंडरिंग बंगाल इफेक्टिवली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेकेंड डेकेड ऑफ द 18th सेंचुरी ऑन एंड द आइडियोलॉजी एंड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ मुगल इंपीरियलिज्म कंटिन्यूड टू एक्सपैंड इन ब्रिटिश बंगाल डेल्टा, सॉरी। तो ये रिचर्ड एटन का कहना है, बहुत ही अच्छा कोटेशन है कि दिल्ली में सेंट्रल पावर ध्वस्त हो गई और लेकिन बंगाल जो कि इंडिपेंडेंट हो रहा है 18th सेंचुरी के सेकेंड डेकेड से, तो वो जो 1717 में मुर्शिद कुली खान आते हैं, जो आइडियोलॉजिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर था मुगल इंपीरियलिज्म का ये मतलब बंगाल डेल्टा में कंटिन्यूसली चल रहा था। तो ये रिचर्ड एटन का ये कहना है, रिचर्ड एटन। देन फिरंगी महल जो कल्चरल मतलब जैसे कहा जाता है कि 18th सेंचुरी कल्चरल मतलब कल्चरल तौर पर भी डार्क एज है, तो इसके मतलब अपोजिशन में लोग कहते हैं नहीं क्यों कह सकते हो आप, फिरंगी महल लखनऊ में था ये मतलब फ्लरिश कर रही थी, जो बीजापुर में मेन सेंटर था डेकानी सूफी ट्रेडिशन का ये वहाँ से हटकर चली गई, हैदराबाद में ये फ्लरिश कर रही थी, आर्कॉट में ये फ्लरिश कर रही थी,
देन 82 में आते हैं हम लोग टीपू सुल्तान पैट्रोनाइज सिंगरी मठ, जो जैसा कि टीपू सुल्तान का मतलब इस्लाम के ऊपर इनका बहुत फेथ था, जैसा कि मतलब कॉमन चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। लेकिन साथ ही साथ जो हिंदूज थे उनको भी ये पैट्रोनाइज करते थे, सिंगरी मठ को भी इन्होंने पैट्रोनाइज किया था, तो रिलीजियस कल्चरल तौर पे भी ये डार्क एज नहीं था। और जो 83 है, हु सेड दैट क्रिएशन ऑफ ए न्यू वेल्थ एंड सोशल पावर इन द प्रोविंसेस रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड मुगल पावर। तो सी ए बेहली का ये कहना है कि रीजनल प्रोविंसेस में हम लोग देखते हैं, मतलब हुंडी आ गया था, तब तक हुंडी से कैश ट्रांजैक्शन हो रहा था, इकोनॉमी फ्लरिश कर रहा था, ज़मींदार मतलब एक नया कैटेगरी उभर के आ रहा था। तो ये जो क्रिएशन ऑफ न्यू वेल्थ एंड सोशल पावर है प्रोविंसेस में, इसके लिए जो है जो सेंट्रल पावर मुगल का डिक्लाइन होता है। अभी हम लोग सेकेंड टॉपिक समाप्त कर चुके हैं, अभी हम लोग चलते हैं थर्ड टॉपिक में, फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है बासी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको हम लोग थोड़ा सा, चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर एंड लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि आपने देखा है और कुछ काम का आपको मिला है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसको हम लोग जो थर्ड टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।